बीसीसी ऑल स्टूडेंट, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सेकेंड अलॉटमेंट में कितना कट ऑफ जाएगा। हाँ, सबसे पहले मैं डिस्कस करूँगा कि सेकेंड अलॉटमेंट में कट ऑफ कितना जाएगा। दूसरी बात मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि सेकेंड अलॉटमेंट कब आने वाला है। हाँ, सेकेंड अलॉटमेंट कब आने वाला है। और तीसरी बात डिस्कस करने वाला हूँ, अगर ज़्यादा रैंक है, अगर तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होने वाला है तो तुम आगे क्या करोगे, क्या तुमको ड्रॉप लेना होगा या तुम मॉपअप राउंड में जाओगे या आगे बढ़ के तुम क्या क्या कर सकते हो, सारी चीज़ मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखना और कोई भी डाउट बचे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। तो स्टार्ट करते हैं कि कट ऑफ, हाँ, सेकेंड अलॉटमेंट आएगा तो कितना तक जा सकता है और कितने रैंक तक के बच्चों को मिल सकता है। देखो, मैं जो भी कटअप बताने वाला हूँ जनरली बताने वाला हूँ, अगर कोर्स वाइज चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना और इस वीडियो पे 150+ लाइक ला देना। हाँ, 150+ लाइक आता है तो मैं वह वीडियो ला दूँगा। 7K कंप्लीट होता है सब्सक्राइबर तो वह वीडियो जल्द ही आ जाएगा। हाँ, कोर्स वाइज बताऊँगा, उसमें तुम्हारा कॉलेज वाइज बताऊंगा। तो पूरे दोस्तों में शेयर कर देना क्योंकि सारे दोस्त लोग आपके डाउट में हैं। देखो, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं यूआर कैटेगरी। हाँ, यूआर कैटेगरी में कितना तुम्हारा कटअप जा सकता है हाईएस्ट। तो यूआर कैटेगरी में हाईएस्ट 2250 तक जा सकता है। देखो, 2250, अब उन व्यक्ति को मैं बात कर रहा हूँ जो व्यक्ति टोटल कोर्स च्वाइस किए होंगे और एक सही च्वाइस फिलिंग किए होंगे। अब वैसे व्यक्ति को नहीं बता रहे हैं कि 2250 तक मिल सकता है, जो लोग केवल नर्सिंग सेलेक्शन किए हैं, जो लोग केवल एग्रीकल्चर सिलेक्शन किए हैं या जो लोग केवल पैरामेडिकल सिलेक्शन किए हैं। देखो, तुम्हारा चॉइस फिलिंग गलत होगा, कुछ मिलने वाला नहीं है। हाँ, नो चांस भाई, तो तुम अपने चॉइस फिलिंग को चेक करा सकते हो। तो देखो, 2250 यूआर कैटेगरी में जाएगा। और नेक्स्ट बात करते हैं वहीं एससी कैटेगरी में, तो एससी कैटेगरी में जाने वाला है 750। हाँ, एससी कैटेगरी में 750 रैंक तक के स्टूडेंट को मिल जाएगा, लेकिन बशर्ते तुम्हारा चॉइस फिलिंग सही होना चाहिए और अधिकांश चॉइस फिलिंग पर डिपेंड करता है। इसलिए मैं जितने भी व्यक्ति को चॉइस फिलिंग शेयर करता हूँ या चॉइस फिलिंग देता हूँ उसके रैंक के अकॉर्डिंग, तो सारे कोर्स को मैं ऐड करता हूँ। हाँ, फर्स्ट क्यों ना उनका रैंक बेस्ट से बेस्ट हो, लेकिन उनके बेस्ट रैंक के अनुसार जो भी कोर्स मिलने वाला है फर्स्ट चॉइस वह देता हूँ और नेक्स्ट चॉइस अदर कोर्स भी दे देते हैं भले उनको नहीं करना हो। देखो, कट ऑफ कुछ हाई गया है तो टेंशन मत लो, नेक्स्ट राउंड में मिलेगा। चलो, तो एससी कैटेगरी में 750 जाने वाला है सेकेंड राउंड में। वहीं बात करें एसटी का तो 60 जाने वाला है। हाँ, एसटी में 60 रैंक वाले के स्टूडेंट को मिल जाएगा। और बात करें ईबीसी के, तो ईबीसी के 1200 रैंक जाने वाला है। तो वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करो और दोस्तों में शेयर करो, आगे बढ़ के और सारे कट ऑफ जानो और सारे डिटेल में जानकारी जानो। तो वीडियो पूरे लास्ट तक देखना, स्किप प्लीज मत करना, नहीं तो क्या पता तुम जो चाह रहे होगे आंसर वही चीज स्किप कर दिया। और कोई डाउट है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे दिख रहा है, उस पर मैसेज कर दो। फीमेल का मैं बता रहा हूँ, मेल वाले 100 घटा लेंगे। हाँ, सारे कटअप में से 100-100 घटा लेंगे, ठीक है। और वहीं बात कर ले ईवीसी कैटेगरी के, तो 1200 जाने वाला है और बीसी कैटेगरी के 675 जाने वाला है। और आरसीजी की बात करें तो 120 जाने वाला है और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 450 जाने वाला है और डीक्यू की बात करें तो 150 जाने वाला है। तो इतने कट ऑफ तक सेकेंड राउंड में मिल जाएगा कॉलेज, अगर च्वाइस फिलिंग सही होगा तो। क्योंकि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो मुझसे च्वाइस फिलिंग कराए थे या मुझसे च्वाइस फिलिंग लिए थे, उन सभी को कॉलेज मिलेगा इन कटअप के अंडर में आ रहे हैं। तो क्योंकि इस बार के जितना कटअप किया है उसके बेस पे मैंने यह कटअप बताया, ये जनरली मैंने बता दिया। अगर आप लोग चाहते हो कि ब्रांच वाइज बता दूँ, कॉलेज वाइज बता दूँ, तो इस वीडियो को 150 लाइक प्लस चाहिए और चैनल पे 7K सब्सक्राइब प्लस चाहिए, तब जाके वो वीडियो जल्द से जल्द आ जाएगा। चलो, अब इनसे ज़्यादा रैंक है और ये बहुत ज़्यादा रैंक है, वो सभी क्या करेंगे। हाँ, वो सभी क्या करेंगे, तो देखो इसके बाद होने वाला है मॉपअप राउंड। हाँ, सेकेंड राउंड के बाद होगा मॉपअप राउंड। तो मॉपअप राउंड में क्या करना होता है, मॉपअप राउंड में सिंपल सा आपको फिर से काउंसलिंग करनी होती है। हाँ, फिर से काउंसलिंग करनी होती है, सिंपल सा। वहाँ पे काउंसलिंग करने में आपको चॉइस फिलिंग नहीं करनी है। हाँ, वहाँ पे कॉलेज चॉइस नहीं करने का ऑप्शन मिलेगा, ब्रांच चॉइस करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, केवल रैंक डालना होता है, डेट ऑफ बर्थ डालना होता है, नेम डालना होता है चॉइस फिलिंग में, ठीक है। वह केवल आपको काउंसलिंग करनी होती है मॉपअप रैंक कार्ड के लिए। मॉपअप का अलग रैंक कार्ड निकलता है, तो वह रैंक कार्ड आपको मिलेगा और उस रैंक कार्ड को लेकर ऑफलाइन काउंसलिंग करनी जानी होती है। यानी कि मॉपअप में आपको ऑफलाइन आईएएस भवन जाना है और आईएएस भवन में आपकी काउंसलिंग प्रोसेस होगी, वहीं पर च्वाइस फिलिंग करना होता है, वहीं पर आपको अलर्ट होता है कॉलेज, वहीं पर डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन हो जाता है, वहीं पर एडमिशन हो जाता है।
है। अब देखो जिस जिस ब्रांच में एक सीट खाली होगा, जिस जिस कॉलेज में सीट खाली होगा, वह पूरा लिस्ट आपको मिलेगा और वहाँ पे जो आप चॉइस करोगे अगर सीट खाली है अलॉट कर दी जाएगी, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसी कॉलेज के व्यक्ति से आपको करा के एडमिशन फाइनली वहाँ पे करा दी जाएगी। चलो ये प्रोसेस थी मॉपअप की, लेकिन इसके बाद भी अगर आपको कॉलेज नहीं मिलता है या अभी भी आपको पता चल गया है कि आपका रैंक बहुत ज़्यादा है और उतना कट ऑफ नहीं जाने वाला है, तो आगे आप क्या करने वाले हो? हाँ, आगे क्या करने वाले हो, उससे पहले मैं बता दूँ एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट का कट ऑफ कितना गया, यानी एग्रीकल्चर ग्रुप के स्टूडेंट का कट ऑफ कितना गया। तो एग्रीकल्चर ग्रुप के जितने भी स्टूडेंट हैं उनका कट ऑफ कैटेगरीज वाइज क्या है, और कोई ना कोई इतना ब्रांच मिल ही जाएगा। हाँ, कोई ना कोई ब्रांच मिल जाएगा अगर इसके अंडर में आपका रैंक हो तो। यूआर में बात करें तो 150, हाँ यूआर में बात करें तो 150, और एससी में बात करें तो 40, और एसटी में 10, और वहीं ईबीसी में बात करें तो 50, और बीसी में बात करें तो 35, आरसीजी में बात करें तो 10, और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 45 से 50, और डीक्यू में बात करें तो 20। हाँ, इस कट ऑफ के अंडर में है तो एग्रीकल्चर मिल जाएगा, फॉरेस्ट्री मिल जाएगा, बायोटेक मिल जाएगा, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग मिल जाएगा, कोई ना कोई आपको ब्रांच जरूर मिल जाएगा। लेकिन इससे ज़्यादा रैंक है तो आपको मॉपअप में जाना पड़ सकता है, हाँ मॉपअप में जाना पड़ सकता है, और हो सके तो नहीं भी मिलेगा। हाँ, अगर इससे भी ज़्यादा रैंक हो, बहुत ज़्यादा रैंक हो, तो कॉलेज नहीं मिलेगा। अब जिन जिन को कॉलेज नहीं मिलने वाला है वो सभी क्या करेंगे, या अभी ही पता चल गया कि रैंक ज़्यादा है वो सभी क्या करेंगे? अगर आप चाहते हो आपके चॉइस फिलिंग को देखकर मैं बताऊं कि कौन सा कॉलेज मिलने वाला है, तो दिए गए नंबर पे आप मैसेज करें, एक मैसेज करें और अपने डाउट को ही केवल पूछें, मैं फ्री होकर आपका रिप्लाई वहाँ पे दे दूँगा। चलो तो सबसे पहले बात करता हूँ करना क्या है। अगर रैंक तुम्हारा ज़्यादा है तो कुछ एग्ज़ाम की तैयारी अब करना है, स्टार्ट कर दो। हाँ, इंतज़ार करने से फ़ायदा नहीं होने वाला है, आपको ड्रॉप ही लेना पड़ेगा, तो आप तैयारी स्टार्ट कर दो जिससे बेस्ट स्कोर कर पाओगे और बेस्ट कॉलेज में जा पाओगे। सबसे पहले बात करें तो मैथ ग्रुप के जितने स्टूडेंट हैं वह तैयारी करें जेईई मेंस का। हाँ, वह तैयारी जेई मेंस का। अब देखो जेई मेंस का तैयारी करने से बेनिफिट होता है कि आप जितने भी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं 12th लेवल पे वो सारे क्रैक कर सकते हो। हाँ, सारे क्रैक कर सकते हो अगर केवल जेई मेंस का तैयारी कर लिए तो। तो देखो जेई मेंस का तैयारी करोगे तो जेई मेंस का एग्ज़ाम तो दोगे ही, अगर वहाँ पे बेस्ट स्कोर होता है तो एडवांस का एग्ज़ाम देके आईआईटी चल जाओगे, एनआईटी चल जाओगे, वो सभी होगा। लेकिन उसके बाद बात करते हैं अगर जेई मेंस क्रैक नहीं होता है तो साथ में तुम एग्ज़ाम देना स्टेट एंट्रेंस एग्ज़ाम, हाँ जो स्टेट बोर्ड लेवल का होता है वो सारे एग्ज़ाम आपको देना है। जैसे में बिहार में बीसीसी होता है तो वैसे ही अदर स्टेट में अदर एग्ज़ाम होते हैं, तो वो सभी एग्ज़ाम आपको देनी है। और नेक्स्ट बात करें तो इसके साथ में आपको तीसरी एग्ज़ाम देना है सीयूईटी। हाँ, मैथ ग्रुप के जितने स्टूडेंट हैं वो सभी भी सीयूईटी देंगे। अब सीयूईटी से बेनिफिट क्या होता है, एग्रीकल्चर कॉलेज मिल जाते हैं और इंजीनियरिंग कॉलेज भी मिलते हैं, और साथ में बात करें तो कुछ जनरल कोर्स वाले भी कॉलेज मिलते हैं। तो भाई यहाँ पर भी आप एग्ज़ाम देकर बेस्ट यूनिवर्सिटी में बेस्ट कोर्स कर सकते हो। चलो बात करते हैं अब नेक्स्ट ग्रुप के स्टूडेंट, जो बायोलॉजी ग्रुप के स्टूडेंट है। देखो बायोलॉजी ग्रुप के जितने भी स्टूडेंट हैं उनको एक एम लेकर चलना है, नीट लेवल की तैयारी करनी होगी। हाँ, अगर नीट लेवल की तैयारी करते हो तो कोई भी एग्ज़ाम एंट्रेंस एग्ज़ाम बायोलॉजी ग्रुप के होते हैं सभी क्रैक हो जाएंगे। हाँ, सभी क्रैक हो जाएंगे। अब जैसे मैं बात करें कि बीसीसी भी बायोलॉजी ग्रुप के स्टूडेंट फॉर्म फिलअप करते हैं स्टेट लेवल पर, वैसे ही सीयूईटी बायोलॉजी ग्रुप के स्टूडेंट फिलअप करते हैं जिससे उनको एग्रीकल्चर ब्रांच मिलता है, बायोटेक ब्रांच मिलता है, और बात करें तो मेडिकल का कुछ ब्रांचेज मिलते हैं जो बैचलर डिग्री प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, वहीं एग्रीकल्चर ग्रुप के जितने स्टूडेंट हैं वो सभी सबसे पहला एम रखेंगे, आईसीआर लेवल का एग्जाम की तैयारी करेंगे। अब देखो आईसीआर पहले क्या करता था, अपना खुद का एग्ज़ाम कंडक्ट करता था, लेकिन 2023 से क्या हुआ कि वह सीयूईटी में मर्ज हो गया है। हाँ, सीयूईटी में मर्ज हो गया है, तो जितने भी स्टूडेंट हैं सीयूईटी के अगर तैयारी कर रहे हैं आईसीआर लेवल का, उनका नेक्स्ट एग्ज़ाम भी निकल जाएगा। जैसे में स्टेट लेवल का एग्ज़ाम होता है बीसीसी हो गया, और वहीं दूसरे अदर स्टेट में अदर एग्ज़ाम होता है, वो आप लोग अगर कमेंट करते हो कोई स्टेट दूसरे के देख रहे हो तो अगर कमेंट करते हो तो उस पर मैं वीडियो लाऊंगा
और आप सभी जानना, ठीक है। अब बात एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आप सभी को इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, अगर आपके रैंक ज़्यादा है, हाँ रैंक ज़्यादा है, तो इन महीनों में बहुत ध्यान देकर चलना, हाँ इन महीनों में बहुत ध्यान देकर चलना, क्योंकि इन सभी महीने में ज़्यादातर फॉर्म रिलीज होते हैं और इन सभी महीने में ही एग्ज़ाम भी हो जाते हैं और वह काउंसलिंग प्रोसेस में ही चले जाते हैं। और जितने आपके छोटे भाई जो 2025 में फाइनल करने वाले हैं 12th या 2024 में फाइनल किए हैं, इस बार अफेयर नहीं हुए हैं, उन सभी 2025 में यह सभी एग्जाम में अफेयर होंगे और उन सभी का भी बेस्ट स्कोर होगा। देखो कौन सा महीना है, तो देखो जितने भी फॉर्म रिलीज होते हैं ना, नवंबर से लेकर अप्रैल के बीच में होते हैं, हाँ जितने भी एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म रिलीज होते हैं नवंबर से लेकर अप्रैल के बीच में होते हैं, तो इन महीने में आप सभी अगर चाहते हो कि सारे फॉर्म का अपडेट शॉर्ट वीडियो में लाए, तो इस वीडियो को सपोर्ट करो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इन सभी एग्जाम कब होंगे, हाँ इन सभी का एग्जाम कब होते हैं, तो एग्जाम अप्रैल से अगस्त महीने में होते हैं, तो फॉर्म भी फिलअप इसी महीने में करना है, और बात करें कि एग्जाम की तैयारी भी इसी महीने में कर लेनी है, और आपका एग्जाम के लिए पूरा प्रिपेयर रहना है जून से लेकर अगस्त के महीने तक। हाँ इन महीने में आपको कैसे भी एग्जाम आपका कंडक्ट हो जाएगा, हर एग्जाम का अलग अलग ड्यूरेशन होता है, तो उस ड्यूरेशन में एग्जाम होगी। देखो वीडियो पसंद आया तो सभी लाइक करो, नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। लास्ट में मैं बताने वाला हूं कि सेकेंड अलॉटमेंट लेटर कब आने वाला है। देखो VCC के वेबसाइट पे अभी जाओगे तो वहां पे न्यू नोटिफिकेशन निकल के आया है, जो इतने भी एग्रीकल्चर ग्रुप के स्टूडेंट थे, जितने भी ज्वाइंट ग्रुप के स्टूडेंट थे, जिनको अलर्ट हुआ है फॉरेस्ट्री कॉलेज मुंगेर, उन सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डेट एक्सटेंड कर दी गई है, यानी कि बढ़ा दी गई है। तो वह कब तक हो गया है, तो 10/11 तक, यानी 10 नवंबर तक डेट उनकी कर दी गई है, तो उसके बीच में वह डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा रहे हैं BAU साबोर। लेकिन अब जितने भी स्टूडेंट हैं उनका इम्पैक्ट पड़ने वाला है सेकेंड अलॉटमेंट पे, हाँ उनका हो सके तो डेट बढ़ जाएगा, क्योंकि फर्स्ट अलॉटमेंट में बहुत सारे लोग वेरिफिकेशन नहीं करा पाते हैं, तो उनका कॉलेज कैंसिल होता है, तो वह सीट खाली बचती है, तो सेकेंड में ऐड करके निकाली जाती है। तो ज़्यादातर चांस है कि आपका अलॉटमेंट लेटर 10 बाद आने का, हाँ 10 बाद आने का, लेकिन ऑफिशियल वेबसाइट पे पहले जो नोटिफिकेशन निकला था उसके अनुसार 5 नवंबर को आने वाला है, लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियली जानकारी नहीं निकली है कि कब निकलेगा सेकेंड अलॉटमेंट। तो आप सभी ध्यान रखिए कि 5 को अलॉटमेंट आने की ज़्यादातर संभावना है, अगर 5 को नहीं आता है तो 10 बाद ही आएगा। अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन ऑफिशियल वेबसाइट पे आएगा तो आपको शेयर किया जाएगा, तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे आपको पर डे एक एक इन्फॉर्मेशन मिले और आप सभी का एग्ज़ाम क्रैक हो जाए। और हो सके तो दिसंबर में एक कोर्स लॉन्च होने वाला है, तो उस कोर्स को अगर इस चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट रहता है तो ज़रूर से ज़रूर लॉन्च किया जाएगा। थैंक यू।